तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट 50 मॉडल क्वेश्चन के बारे में, जो कि बिहारी लाल जी से रिलेटेड होने वाले, यानी कि पूरे 50 क्वेश्चन जो कि बिहारी लाल जी से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहारी लाल जी से रिलेटेड एग्जाम में आपके बीए में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है। तो मैंने इनसे रिलेटेड पिछले कई सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने इस साल आने की संभावना, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। आई होप आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं तो 50 क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे समझिएगा क्वेश्चन, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर एक काशी, बी नंबर बिहार, सी नंबर ग्वालियर और डी नंबर है मध्य प्रदेश। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है, बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ग्वालियर में हुआ था बिहारी लाल जी का जन्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने किसका शिष्यत्व स्वीकार किया था? नंबर एक नरिहर दास का, बी नंबर रैदास का और सी नंबर है रहीम का, डी नंबर है नामदेव का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, नरिहर दास का, ठीक है, शिष्यत्व स्वीकार किया था नरिहर दास का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी का जन्म कब हुआ था? नंबर एक है संवत 1220, बी नंबर संवत 1595, सी नंबर संवत 1500 और डी नंबर है 1540। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर, ठीक है, 1595 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। फिलहाल ये सारे क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बनाए थे, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन थे, लेकिन शायद उस वीडियो को कम स्टूडेंट ने देखा है, तो मैंने सोचा कि और भी क्वेश्चन बना के पूरी एक सीरीज बना के बिहारी लाल जी से तो आप तक प्रोवाइड कर दूँ, तो वही मैं आज कर रहा हूँ, आप लोगों तक प्रोवाइड करूँगा ये सारे 50 पूरे 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी के गुरु नरिहर दास कहाँ रहते थे? नंबर एक बनारस, बी नंबर कन्नौज और सी नंबर है मथुरा और डी नंबर है ओरछा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ओरछा में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी जिन 1662 में किस राजा के यहाँ अपनी व्रत लेने गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा टाइप करने में प्रॉब्लम हुई, ये हटा दीजिएगा। बिहारी 1662 में किस राजा के यहाँ पर राजा, ठीक है, यहाँ अपनी व्रत लेने गए थे? नंबर एक है मान सिंह, बी नंबर गोविंद सिंह, सी नंबर है जय सिंह और डी नंबर है अकबर। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, जय सिंह के यहाँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नहीं पराग नहीं मधु मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति बहुत ही जनरली आई है, होप आप लोगों को मालूम ही होगा। नंबर एक तुलसीदास, कबीरदास, बिहारी लाल, रहीम दास। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, बिहारी लाल, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस राजा का क्या नाम था जो नरिहर दास जी के दर्शन के लिए वृंदावन आया और बिहारी को अपने साथ ले गया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां, डी नंबर, शाहजहां ले गए थे, ठीक है, अपने साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? नंबर एक अमरुक शतक, बी नंबर गीत गोविंद, सी नंबर आर्या सप्तशती और डी नंबर है गाथा सप्तशती, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीत गोविंद, बी नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कवि ससुराल में रहता था? नंबर एक पद्माकर, बी नंबर बिहारी और सी नंबर है देव, डी नंबर है रसलीन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बिहारी जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो नंबर एक है 880, बी नंबर है 450 और सी नंबर है 713 और डी नंबर है 200। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 713। बिहारी में सतसई में जो दोहे हैं उनकी जो संख्या है 713 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई किस वर्ग में आते हैं? नंबर एक महाकाव्य, बी नंबर चंपू, सी नंबर है मुक्तक काव्य, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी सतसई आता है मुक्तक काव्य में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुक्तक काव्य, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बिहारी को एक दोहा लिखने पर राजा जय सिंह से कितनी असरफियाँ मिलती थी? नंबर एक है 5, बी नंबर है 10, सी नंबर A1 और डी नंबर है 7, यानी कि 7, ठीक है। तो जो
बिहारी को दोहा लिखने पे असरफियाँ मिलती थी, उनकी संख्या थी एक, एक असरफियाँ मिलती थी, बताओ एक असरफियाँ लिखने दोहा लिखने के लिए। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को मिस मत करिएगा, अदरवाइज आप लोगों के लिए ही दोस्तों प्रॉब्लम होगी। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस मेहनत से मैं क्वेश्चन तैयार करता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को समझें, अच्छे से देखें, आपके लिए ही यूजफुल होने वाली हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो इतना रिक्वेस्ट आपसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन सी विशेषता बिहारी के काव्य में नहीं थी। नंबर एक राष्ट्रीय भावना, बी नंबर है नायिका का वर्णन, और सी नंबर है चमत्कार, और डी नंबर श्रृंगार प्रधानता। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रीय भावना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की। नंबर एक है 5, बी नंबर है 2, और सी नंबर है 8, और डी नंबर है 1। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, डी, एक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी किए लेकिन ग्रंथों की जो संख्या वो एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए ये कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। नंबर एक देव, बी नंबर सेनापति, और सी नंबर रसलीन, डी नंबर बिहारी। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, बिहारी जी को कहा जाता है कि गागर में सागर भरने का काम किया है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के कवि थे, कवि, ठीक है। तो नंबर एक है छायावादी, बी नंबर आधुनिक काल, सी नंबर है भक्ति काल, डी नंबर रीत काल, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी जाल जी रीत काल के कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बिहारी लाल जी की भाषा का नाम है। नंबर एक है बुंदेलखंड, बी नंबर मगही, सी नंबर अवधी, डी नंबर ब्रजभाषा। दोस्तों टाइप करने में थोड़ा जो मिस हो गए होंगे एक दो वर्ड, उसे आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, फिर मैं बता देता हूँ जो टाइप करने मिस हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर होना चाहिए था निम्न में से बिहारी लाल जी की भाषा कौन है, या भाषा का क्या नाम है, या नाम है, ठीक है। तो जो इनकी भाषा का नाम है वो है डी नंबर ब्रजभाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी जी के बेटे का नाम है। नंबर एक रंजन, बी नंबर है कृष्णलाल, सी नंबर है जहीर, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी लाल जी के जो बेटे का नाम है, नाम था वो है कृष्णलाल था, ठीक है, कृष्णलाल, क्योंकि अब तो रहे नहीं, वो था में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बिहारी जी के पिता का क्या नाम है। तो निम्न में जो बिहारी जी के पिता का नाम है, नंबर एक केशवदास, मुनिराज, घनानंद, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केशवदास, ठीक है, ए नंबर, बिहारी जी के पिता का नाम था केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई का संस्कृत में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। नंबर एक कबीर, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर पंडित परमानंद, डी नंबर है बिहारी लाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पंडित परमानंद, ठीक है, सी नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में आचार्य बलदेव ने बिहारी जी को किसका बादशाह माना। नंबर एक सोटा का, दोहा का, चौपाई का, कवित्त का। तो राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, दोहा का बादशाह माना है, ठीक है, आचार्य बलदेव ने बिहारी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी लाल जी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है, ये किसने कहा। नंबर एक घनानंद ने, बी नंबर तुलसी ने, और सी नंबर रामकुमार ने, और डी नंबर रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी रत्नाकर के रचनाकार का क्या नाम है। नंबर एक केशवदास, बी नंबर नरिहर दास, और सी नंबर है जगन्नाथ दास रत्नाकर, और डी नंबर है रहीम दास। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल जी को क्या माना है। नंबर एक गुरु, बी नंबर रसवादी, सी नंबर अलंकारवादी, और डी नंबर है पंडित। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी जी को रसवादी माना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। नंबर एक रससागर, बी नंबर बिहारी सत्तई, सी नंबर कविप्रिय, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बिहारी सत्तई रीतकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहारी लाल जी का देहांत कब हुआ था। नंबर एक संवत
1900, बी नंबर है संबत 1700 और सी नंबर है संबत 1663 और डी नंबर है संबत 1820। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, संबत 1663 ईस्वी में, ठीक है, देहांत हुआ था बिहारी लाल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनक तेसो गनी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो नंबर एक है सिलेक्ट, बी नंबर है उपमा, सी नंबर है अनुप्रास और डी नंबर यमक। तो इसका राइट आंसर आप लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं तो मालूम ही होगा, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यमक, ठीक है, यमक का उदाहरण है, ठीक, कनक कनक तेसो गुनी, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी जी कितने संप्रदायों में समृद्ध थे। तो उसकी जो संख्या है वो है 2, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, संप्रदायों की संख्या 2 है जिसमें समृद्ध थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहारी शास्त्री पर प्राकृत के किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। नंबर एक प्रेम सती, बी नंबर जन्मवती और सी नंबर है गाथा सप्तसती और डी नंबर है नागसती। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, गाथा सप्तसती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से रीतकाल की कौन सी रचना सबसे अधिक लोकप्रिय हुई। नंबर एक श्रृंगार शतक, बी नंबर बिहारी शास्त्री और बी नंबर है बिहारी शास्त्री और सी नंबर है पद्माभरण और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, पद्माभरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी शास्त्री पर हिंदी में कितने से अधिक टीका प्राप्त है। नंबर एक 40, बी नंबर 75, सी नंबर है 50 और डी नंबर है 30, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 50, ठीक है, 50 टीका प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी शास्त्री पर संस्कृत में अनुवाद किस नाम से हुआ। नंबर एक श्रृंगार सप्तसती, बी नंबर है वीर सिंह देवचरित, सी नंबर है छत्रसाल दशक, डी नंबर है रतन बावनी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, श्रृंगार सप्तसती। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिहारी रत्नाकर की रचना कब हुई। नंबर एक 1980 में और बी नंबर है 1905 में और सी नंबर है 1921 में, डी नंबर है 1915 में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, प्लीज़ एक दो क्वेश्चन आप लोगों को भी बताइए, अदरवाइज नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आंसर आप लोगों को इसका बताना है, ठीक है, गेस करिए क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया, आप लोगों को पता ही है, ऊपर बताया गया क्वेश्चन है, बिहारी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी की कविता को किसने शक्कर की रोटी कहा। नंबर एक नागेंद्र जी ने, बी नंबर तुलसीदास ने और सी नंबर है रस खान ने और डी नंबर है पद्म सिंह शर्मा ने। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पद्म सिंह शर्मा ने कहा है बिहारी की कविता को किसने शक्कर की रोटी कहा है, ठीक है, पद्म सिंह शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आर्या सप्तशती के लेखक कौन है। नंबर एक है रामानुज, बी नंबर है गोवर्धनाचार्य और सी नंबर है रामेश्वर, डी नंबर है जायसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, जायसी ने कहा है, ठीक है, आर्या सप्तशती के लेखक कौन है, जायसी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरुक शतक के रचयिता कौन है। नंबर एक कादम्बरी, बी नंबर अमरुक, सी नंबर है जगत विनोद और डी नंबर है पुंडरी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अमरुक, बी नंबर, ठीक है, अमरुक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहारी जी ने नरिहर दास के बाद किसके पार रहकर ग्रंथों का अनुशीलन किया। नंबर एक है पद्माकर, बी नंबर देव ओ सी नंबर है केशोदास, डी नंबर है रहीमदास। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, केशोदास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसे ससुराल पंक्ति किस कवि के विषय में है। नंबर एक बिहारी, बी नंबर भूषण, सी नंबर घनानंद और डी नंबर जायसी। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि बिहारी जाल जी का जन्म बिहारी लाल जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था और ससुराल थी वो मथुरा में थी, कि इसी के उपलक्ष्य में ये पंक्ति कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहारी शास्त्री की टीका नहीं है। नंबर एक बिहारी रत्नाकर, बी नंबर लाल चंद्रिका और सी नंबर है शोभाधार्थ बोधनी और डी नंबर है हरिप्रकाश टीका।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। शोभाधार्थ बोधनी, ठीक है, शोभाधार्थ बोधनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी में निम्न में बिहारी शास्त्री की रचना वर्ष क्या है? नंबर एक है 1650, बी नंबर है 1662, सी नंबर है 1701 और डी नंबर है 1605। बिहारी शास्त्री की जो रचना हुई थी उसका सन था 1662 ईस्वी में, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे मतभेद ऐसे भी हैं, बहुत लोगों ने इनकी बिहारी शास्त्री की रचना को किस वर्ष माना है किस वर्ष माना है, लेकिन जो ज़्यादा जर्नली हो रहा है, जो मैं बता रहा हूँ ये जर्नली ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णलाल कवि की बिहारी शास्त्री पर लिखी टीका किस भाषा में है? नंबर एक इंग्लिश में, बी नंबर उर्दू में, और सी नंबर है ब्रज भाषा में, और डी नंबर है अवधी में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ब्रज भाषा। कृष्णलाल कवि की बिहारी शास्त्री पर जो टीका लिखी गई है वो ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरंगे शास्त्री किस भाषा में लिखी गई है? नंबर एक अरबी, बी नंबर फारसी, सी नंबर उर्दू और डी नंबर है ब्रज भाषा। तो फिरंगी शास्त्री जो लिखी गई वो फारसी में लिखी गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य कहा जाता है? नंबर एक महाकाव्य, बी नंबर रीतिकाव्य, सी नंबर खंडकाव्य और डी नंबर है रहस्य काव्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर रीतिकाव्य, रीतिकाव्य। अगला क्वेश्चन है, देव ने किसे कविता का सौदागर कहा? तो सौदागर कहा था नंबर एक देव, बिहारी, सुकवि, डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सॉरी बी नंबर, बिहारी लाल जी को, ठीक है, बी नंबर बिहारी, कविता का सौदागर कहा था देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसके दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया? नंबर एक पद्माकर, रहीमदास, सी नंबर बिहारी दास, डी नंबर देव। तो राइट आंसर आपको मालूम ही है बिहारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अगला क्वेश्चन है, बिहारी कैसे कवि थे? नंबर एक रसिक, बी नंबर है भक्त भाव, और सी नंबर है दास्य भाव, और डी नंबर है माधुर्य भाव। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने पिछली वीडियो में शायद आप लोगों को बताया था, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, आपके पास कुछ सेकेंड का टाइम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, रसिक, बिहारी जो कवि थे वो रसिक कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी जी के गांव का क्या नाम था? नंबर एक राजापुर, बी नंबर है ननकाना, और सी नंबर है सोरो, और डी नंबर है बसवा गोविंदपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बसवा गोविंदपुर, यानी कि बिहारी जी के जो गांव का नाम था वो बसवा गोविंदपुर था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी जी के काव्य का प्रमुख रस क्या है? नंबर एक करुण, बी नंबर है शांत, और सी नंबर है श्रृंगार, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी जी का जो मुख्य रस है वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, राइट आंसर का श्रृंगार हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे प्लीज़ उनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन कॉपी पेन में अपना लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी पेन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है? नंबर एक घनानंद, बी नंबर बिहारी, सी नंबर देव, डी नंबर पद्माकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आप लोगों को तो मालूम ही होगा क्या हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है बी नंबर, बिहारी जी। इनमें से रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे रट लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपके जो टारगेट था आज की वीडियो की 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, आई होप कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अगर ज़रा से भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कोई भी चाहिए किसी भी कवि की चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में वो भी बताइएगा, ठीक है।
और ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने बना ली, और सारे क्वेश्चन मैंने वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का नेम sandeepinfo.com। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर बिहारी लाल, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, बहुत सारे कवि से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से हेल्पफुल हैं। तो एक बार वेबसाइट को विजिट करिए और क्वेश्चन आप ऑनलाइन भी पढ़िए, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहता हूँ। जो भी मुझसे हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है, मैं आप तक प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस कवि की आनी चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करूँ और आप तक उसको भी प्रोवाइड करूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।